ईश्वर जो चाहते हैं होता वही है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो कभी बोल नहीं सकते हैं। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जैसी जिंदगी आप जी रहे हो शायद वो भी किसी का सपना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, उसी समय 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 पर बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब चल रहा हो तो परेशान न हो, बस सही समय आने का इंतजार करो। बुरे लोग अगर बातों से समझ जाते हैं और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरे का भला करने वाले इंसान को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ों को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है। लेकिन संस्कार सिर्फ घर से ही मिलते हैं। पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। पैसा एक और बात कहता है, भले ही मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे साथ नीचे हूं तब तक तुझे नीचे नहीं आने दूंगा।
धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेखक है। तारीफ जितनी चाहे उतनी कर लेना, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझ कर करना। क्योंकि अपमान वो दी गई राशि है जो मौका मिलने पर ब्याज समेत मिलेगी। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप आज मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं आप उसने ज़्यादा बेहतर है। ये 5 चीज़ें जीवन में करना छोड़ दो, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, जीवन को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, अपनी खुशी को दूसरे पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरे के गुलाम बने रहोगे। ये मोहब्बत भी खुदकुशी करने का धंधा है। अपनी ही लाश है और अपना ही कंधा है। इस दौर की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं रही है मुझे अब किसी से भी। बस कुछ अपने ही मेरी नजरों में गिर चुके हैं। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करना। मरने के बाद तो पराए भी दो आंसू बहा जाते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है।
सिर्फ इतना न जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। क्योंकि धोखा और शाबाशी दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से हमेशा ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की। परखो तो कोई अपना नहीं है और समझो तो कोई पराया नहीं है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं और फिर याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफलता की मंजिल तक लेकर जाता है। सपनों को पूरा करने के लिए सोना नहीं बल्कि जागना पड़ता है। और समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले आप अपने आप को हमेशा शांत रखो। क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती है। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं। बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, आंखें बंद करके एक ही मंत्र सुबह शाम बोलो, भाड़ में जाए दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सभी के लिए अच्छा सोचता है, सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो जीवन में अकेला रह जाता है। जो इंसान कभी अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई दर्द नहीं है। उसके दर्द छुपाने की वजह सिर्फ ये है कि वो अच्छी तरह जानना है कि दुनिया दर्द दूर नहीं करेगी, बस उसके दर्द को बढ़ा सकती है।